हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। हमने आधे किलो की लौकी ली है। कोफ्ते में डालने के लिए मसाले तैयार कर लेंगे हम। मैंने लिया है गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे और उससे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अब हम डालेंगे मसाले जो हमने साइड कर रखे थे। बेसन, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे कोफ्ते। ग्रेवी के लिए हमने लिया है प्याज, लहसुन, लाल मिर्च। अब इन सबको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। आधा चम्मच सब्जी मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च और जीरा पिसा हुआ। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हींग, जीरा जो हमने पेस्ट बना रखा था वो डालेंगे, थोड़ा सा पानी। इसको खूब भूनेंगे। अब डालेंगे मसाले, थोड़ा सा पानी मसालों को भूनने के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च, मसाला भुन चुका है, इसमें डालेंगे गरम मसाला, नमक, पानी। पाँच छः मिनट इसे पकाएंगे। अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। थोड़ी देर पकने देंगे। कोफ्ते बनके तैयार। अब इसमें हम चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे।